नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग शेयर के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी आप स्टॉक अप्रॉक्स जानते हैं, लगभग सभी स्टॉक्स को मैंने लिया है जो कि पॉपुलर है। और भी बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, लेकिन इसमें लगभग सारे स्टॉक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो HDFC बैंक है, जो कि लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर का, तो इसमें जो भी स्टॉक्स आपको मिलेंगे सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं। PSU स्टॉक्स को मैंने नहीं लिया है, तो ये आपको हम पहले बता दें। सबसे पहला जो हमारा बैंक है HDFC बैंक, उसका देख लीजिए, आज 8 पॉइंट अप है। 5 डेज में देखिएगा लगभग फ्लैट रहा है। आप देखिएगा 6 मंथ में तो भी इसमें कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा है इन्वेस्टर को। ये 1240 रुपये का हुआ करता था, अभी आप मात्र देख सकते हैं 1052 रुपये का है। 1052 रुपीज़ मात्र प्राइस है। 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा है ये बैंक। आप 5 ईयर्स में देख लीजिए मात्र 90% है, तो 90% ओवरऑल ठीक है। अगर आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इतना जो रिटर्न है ठीक है। अब अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो लॉन्ग टर्म में ये जो है पैंडमिक से पहले 16,000% का रिटर्न दे रहा था, 16,000%, तो काफ़ी बेहतरीन था। अभी भी ये 14,000% का रिटर्न दे रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बैंक काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ये लीडिंग बैंक है, तो काफ़ी बेहतरीन बैंक में से एक है। तो ये इस बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर गिरावट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस बैंक को मतलब पैंडमिक्स को भी ये सह लेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है हमारा, वो है ICICI बैंक। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर आप एक दिन में देखिएगा 6 पॉइंट अप है, 5 डेज में देखिएगा लगभग फ्लैट है। 5 डेज में थोड़ा सा अच्छा रिटर्न ये दे रहा है, 5 डेज में आपको 5% अप है। 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में ये फ्लैट है एक तरह से। 1 ईयर में देखते हैं तो 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरावट 1 ईयर में ये आपको काफ़ी गिरावट मिला है। 14% डाउन है अभी भी 1 ईयर में। 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी 5 ईयर्स में ये कितना रिटर्न दे रहा है आपको, 5 ईयर्स में 32%, तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो मैक्सिमम ईयर में ये भी बैंक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। मैक्सिमम ईयर में आप देख लीजिए तो 12,000% से भी एवव है पैंडमिक से पहले। अगर अभी भी बात करें तो ये 8,800% का रिटर्न दे रहा है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो मैक्सिमम ईयर में काफ़ी बेहतरीन है ये भी स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स अभी परफॉर्म करना बाकी है। काफ़ी अंडर एस्टिमेटेड स्टॉक्स है, जबकि वर्ल्ड में 2 नंबर पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला स्टॉक है। HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद जो तीसरा बैंक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी आज देखते हैं 18 पॉइंट अप है। अगर आप 1 मंथ में देखिएगा तो 1 मंथ में भी ये आपको कितना रिटर्न दे रहा है, 1 मंथ में 1.91% का रिटर्न। अगर 1 ईयर में बात करते हैं तो 1 ईयर में ये कुछ खास रिटर्न आपको नहीं दे रहा, बल्कि लॉस 9.95% डाउन है। 10% डिस्काउंट पर अभी भी मिल रहा है ये स्टॉक आपको। 5 ईयर्स में देखते हैं तो 5 ईयर्स में आपको 89% का रिटर्न दे रहा है, तो जो कि ठीक है, 89% HDFC बैंक भी उतना ही दे रहा था। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में तो ये गिरावट से पहले 1,00,000% का रिटर्न, गिरावट से पहले की बात करें 1,00,000% का रिटर्न, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर को ये माला माल गया है। 1,00,000% मतलब 10,000 भी आप इन्वेस्ट किए रहते इस बैंक में अगर 2001 ईस्वी में, तो वो आपको करोड़ों का रिटर्न देता। अगर अभी भी बात करें तो 84,000% का रिटर्न दे रहा है अभी भी, तो काफ़ी बेहतरीन बैंक है। तो ये 3 बैंक है जिसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। अगर आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 3 बैंक परफेक्ट है आपके लिए। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये 3 बैंक बेहतरीन है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इन 3 बैंकों में से किसी में भी कर सकते हैं हर गिरावट पे। तो हर गिरावट पे इन 3 बैंकों में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, यस बैंक का जब से फ्रॉड हुआ है तो लोग बैंक में इन्वेस्ट करने से बचते हैं, लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब बैंक काफ़ी बेहतरीन बैंक में से है। इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि इन सारे कंपनियों के बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। जैसे आप देखते हैं HDFC बैंक, तो उसका फिर HDFC लिमिटेड है, हाउसिंग फाइनेंस है, फिर HDFC AMC है, HDFC लाइफ है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है उसका बिजनेस। और प्रमोटर सबका या तो HDFC बैंक है या HDFC लिमिटेड है, तो इसलिए आप इन सब बैंकों में काफ़ी आपका इन्वेस्टमेंट जो है सुरक्षित रहता है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी काफ़ी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में ये भी धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जा रहा है। तो इस तरह से जब कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा एसर्ट हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, तो उसमें आपको ग्रोथ भी कम मिलता है। तो ये बड़े बड़े बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ भी आपको कम मिलेगा।
तो इसलिए आप इन बैंकों में चाहते हैं तो इन्वेस्ट करना, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टॉक में हम चलते हैं। अगला स्टॉक है हमारा फेडरल बैंक। ये भी काफ़ी बेहतरीन बैंक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर जो रिजल्ट इसका इम्प्रूव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिया है। और ये भी बैंक देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो ये भी गिरावट से पहले मतलब पैंडमिक से पहले 7,700% का रिटर्न दे रहा था अपने इन्वेस्टर को, लेकिन अभी गिरावट में देखिएगा तो वन ईयर में कितना डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। ये यहाँ से आपको डिस्काउंट हम निकालते हैं तो देखिए 35% डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स अभी भी आपको मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी बेहतरीन है इस कंपनी का, तो लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेहतरीन है ये कंपनी। शॉर्ट टर्म में भी आपको हर गिरावट पर जैसे जैसे मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 40 रुपीज़ तक ये स्टॉक्स आ गया था तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, एकदम सुरक्षित इन्वेस्टमेंट रहा था ये कंपनी। लेकिन दिक्कत यह है कि बैंकिंग सेक्टर में आगे बोला जा रहा है कि जो NPA है वो काफ़ी इंक्रीज होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। NPA जब इंक्रीज होगा तो जो बड़े बड़े बैंक है वो तो ईजिली उसको सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो छोटे बैंक है वो काफ़ी प्रभावित होने वाला है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो छोटे बैंक है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इस तरह के बड़े बड़े बैंकों पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला है हमारा RBL बैंक। इस बैंक में मैं इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस पे आप अगर गूगल में सर्च कीजिएगा कई सारे फ्रॉड आपको इससे रिलेटेड आ जाएंगे। एक इस स्टॉक का प्राइस देखिएगा तो अभी कितना 52 वीक हाई, यहाँ पर देखिए दिखाते आपको वन ईयर प्राइस, यहाँ देख लीजिए 400 से ऊपर, और आपको दिखाते हैं 5 ईयर्स, यहाँ देख लीजिए 600 से भी ऊपर का स्टॉक, देखिए 600 से भी ऊपर का स्टॉक हुआ करता था, अभी मिल रहा है आपको 200 से भी नीचे। निश्चित है कुछ ना कुछ कंपनी में डाउट है, बैंक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो आपको इतने ज़्यादा प्राइस नीचे मिल रहा है। तो इन सारे चीज़ों को आप फंडामेंटली रिसर्च कीजिए, क्या बैंक में प्रॉब्लम आया जैसे इसका स्टॉक इतना ज़्यादा गिरावट देखने मिला, सारे रिसर्च आपको करनी चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अभी देखते हैं, अगर हम 5 ईयर्स में बात करें, 5 ईयर्स में ये बैंक 72% से डाउन है। बैंक में कई सारे फ्रॉड के केसेस हमारे यहाँ आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इंडिया के जो टॉप 3 बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और जो कोटक महिंद्रा बैंक है, उसी में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा। और साथ ही साथ आप फेडरल बैंक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बैंक अच्छा है। और भी कई सारे नए बैंक हैं जिसके बारे में हम वीडियो के आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो RBL बैंक निश्चित है कि आप अगर चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो कर सकते हैं, मैं इस पर इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। उसके बाद अगला है बंधन बैंक। ये भी बैंक अच्छा है, लेकिन अभी जो है बंधन बैंक ये भी काफ़ी ज़्यादा पैंडमिक से प्रभावित होने वाला, सबसे ज़्यादा बैंक में यही बैंक प्रभावित होगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं या छोटे छोटे व्यक्ति जो होते हैं कम पूंजी वाले, उसे ये लोन देता है और छोटे अवधि के लिए देता है। तो वैसे में काफ़ी ज़्यादा जो NPA है इसका इंक्रीज करने वाला, काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट होगा, जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला। ये भी स्टॉक देख सकते हैं 600 से ऊपर का मिल रहा था और ये यहाँ से 152 रुपीज़ तक आ चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा ये भी स्टॉक्स इस पैंडमिक को झेला है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये स्टॉक्स अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा आप फंडामेंटल रिसर्च कर लेंगे। NPA ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, अगर NPA में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है तो निश्चित है ये बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नया लिस्टिंग है, कंपनी 2018 में ही लिस्ट हुआ है, लेकिन ये बैंक थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसका कारोबार भी बेहतरीन है, लेकिन अभी पैंडमिक से ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगर लग रहा है कि आपको NPA इसका इंक्रीज नहीं हुआ है, बैलेंस शीट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बैलेंस शीट में कोई ज़्यादा बर्डन नहीं आया है, कोई ज़्यादा डेट इंक्रीज नहीं हुआ है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बैंक इन्वेस्ट करने के लायक है। और जब भी आपको डिस्काउंट के प्राइस पर मिलता है, देख सकते हैं 200 रुपीज़ तक ये आ चुका था, तो इस तरह से कभी गिरावट आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्ट कीजिएगा और अपना रिसर्च थोड़ा सा ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा है इंडसइंड बैंक। ये भी बैंक जो है आपको काफ़ी हाई प्राइस पर मिला करता था, लेकिन एक न्यूज़ इस बैंक के शेयर के प्राइस को कहां से कहां ला दिया। आप दिखाते हैं आपको 5 ईयर्स में, तो देख लीजिए इस स्टॉक का प्राइस था 2000 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता था, उससे भी ऊपर, और अभी ये आपको मिल रहा है 509 रुपीज़ पर। ये तो छोड़िए 509 रुपीज़, ये आ चुका था 235 रुपीज़ तक। अब तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा कि 2000 रुपीज़ का शेयर मिल रहा है 200 रुपीज़ में, वो इसी में इन्वेस्ट करेगा, इसे भी इन्वेस्ट करेगा। फिर से एक फ्रॉड का केस आ गया तो ये
पूरी तरह से डूब जाएगा ये बैंक, आपका रुपया भी डूब गया। तो इसी तरह से आप जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर जाए, कभी भी आपको 2000 रुपये का शेयर 200 रुपये में मिलने लगा तो उसमें इन्वेस्ट ना करें। अब यस बैंक 400 रुपये का स्टॉक था, अगर वो आपको 20 रुपये में मिल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा मत करें। तो क्योंकि जो फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रॉन्ग है वही कंपनी आगे आपको ग्रोथ दिखाएगा, आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 1999 में इन्वेस्ट किया होगा उसे 10,000% का रिटर्न ये दे रहा था 2018 तक, लेकिन 2018 के बाद जब गिरावट आया तो अभी मात्र ये इन्वेस्टर को रिटर्न दे रहा है 1999 में जो इन्वेस्ट किए होते 2,600% का। तो काफ़ी प्रभावित हुआ है इस फ्रॉड के केस जो आया लगातार, तो फ्रॉड के सब केस आने के बाद बैंक में काफ़ी ज़्यादा आपको शेयर के प्राइस में गिरावट आपको देखने मिलेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ का जो बैंक है, कई सारे बैंकों में हम लोग इन्वेस्ट करने से, NBFCs में इन्वेस्ट करने से बचते हैं क्योंकि कई सारे फ्रॉड हमारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो अगला बैंक है IDFC First Bank, ये भी बैंक काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है और इसके बाद जो नया मैनेजमेंट आया है तो काफ़ी सारे लोग इसमें काफ़ी इन्वेस्टर काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो इसमें आपको देखना है कि ये बैंक कैसा रिजल्ट देता है, रिजल्ट अगर बेहतरीन आता है तो निश्चित आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं ये भी स्टॉक 17 रुपीज़ तक आ चुका था, 18 रुपीज़ 17 रुपीज़ आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते तो काफ़ी अच्छा अभी तक में रिटर्न प्राप्त करते हैं। 2015 से ही लिस्टेड लेकिन अभी तक इसका स्टॉक परफॉर्म नहीं किया है। बैंक थोड़ा सा परफॉर्म किया, कई सारे क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन दिए हैं पीछे 2-4 क्वार्टर के रिजल्ट, लेकिन बैंक का स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अंदर दिक्कत हो, कहीं ना कोई दिक्कत हो जिससे इन्वेस्टर जो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर इन्वेस्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं निश्चित है ये स्टॉक परफॉर्म करता, लेकिन रिजल्ट जो कई क्वार्टर से बेहतरीन आ रहे हैं तो आप इसमें नज़र रखिएगा। अगर इसी तरह से रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं तो निश्चित है ये स्टॉक्स आगे आपको एक बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन बैंक सेक्टर में जो सबसे हमारी सलाह है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इसी के साथ जाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी कई सारे बैंक हैं आपको दिखाते हैं, करूर विद्या बैंक ये भी काफ़ी बेहतरीन है स्टॉक्स रहा है पीछे, लेकिन अभी कुछ सालों से ये भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म है। देख सकते हैं यहाँ से 2017 से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म है और अभी 73% डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देख सकते हैं 2017 तक इन्वेस्टर को 8000% से भी अधिक का रिटर्न दिया है, साथ ही साथ 9000% से भी अधिक, 9000% से भी अधिक का। साथ ही साथ ये कंपनी बोनस काफ़ी ज़्यादा दी है, अपने इन्वेस्टर को बोनस काफ़ी दिया है और डिविडेंड यील्ड देखिएगा तो 1.72% का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी शानदार है। और ये कंपनी भी आपको काफ़ी डिस्काउंट पर मिल रहा था, पैंडेमिक जो गिरावट आया 20 रुपीज़ का प्राइस था इस स्टॉक का, तो उस समय चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते थे। ऐसे हम अभी आपको इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ऐसा बोला जा रहा आगे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, तो आप इस पर नज़र बना के रखिए। अगर आगे काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट पर मिलता है तो आप इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है DCB बैंक, तो ये भी बैंक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था इधर, तो आप देख लीजिए इसका चार्ट तो बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से नहीं है। इस तरह के चार्ट को हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मानते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को आप जो है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, जो एक साल का है 6 महीने के पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक को, क्योंकि ये अभी डाउन साइकिल में है फिर अप साइकिल में आएगा। तो इस तरह का स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं है, तभी इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे जब इसका फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद अगला हमारा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी बैंक नया लिस्ट हुआ है। देख सकते हैं कि 2019 में ही लिस्ट हुआ है और वहाँ से काफ़ी ये ज़्यादा डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन, काफ़ी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम अभी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देंगे इसमें। आप इसे देखें, जब रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते जाएं 2-4 क्वार्टर तो आप इसमें फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ को देख करके किया जाता है, तो सारी चीज़ देखने के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद एक और बैंक है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये पैनी शेयर है, तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वह है साउथ इंडियन बैंक। ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। देख सकते हैं यहाँ से आपको हम दिखाते हैं 1999 से लेकर के 2017 तक में 2,563% का रिटर्न, तो ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। डिविडेंड भी काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं 3.57% का डिविडेंड यील्ड है, ये भी शानदार। लेकिन 2017-18 के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिला है, 77% डिस्काउंटेड रेट पर ये आपको
स्टॉक्स मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक तरफ में छोटे छोटे पैनी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करें जब इस कंपनी जो है लगातार ग्रोथ दिखाती है, कंपनी काफ़ी अच्छा बेटर रिजल्ट देती है, तब जाकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे बैंक थे जिसमें आपको इन्वेस्ट करने की सलाह हमने दिया आपको, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, फेडरल बैंक। साथ ही साथ अगर आप किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसके दो चार क्वार्टर के रिजल्ट देखें, परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बिजनेस को देखेंगे, साथ साथ उसके फंडामेंटल को जरूर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको आगे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज भी मिलेंगे, साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज भी मिलेंगे। तो यहाँ आपको धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में पूरी बारीकी से सीखने मिलेगा कि इन्वेस्ट कौन से स्टॉक में करें, ट्रेडिंग कौन सा स्टॉक में करें, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, इंट्राडे हो, सारे वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।